आपको 10 पॉइंट्स बता देता हूं जो बजट के आज जो मुख्य बिंदु थे। कोरोना काल में सरकार ने आपको बता दूं कि 94,000 करोड़ जो पहले एग्रीकल्चर का बजट था उसको बढ़ाकर 2.38 करोड़ रुपए कर दिया गया है, लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही आपको दूसरी चीज बता दूं कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए अलग से ये अमाउंट जो है ये रखा गया, अगर आगे जरूरत पड़ती है तो सरकार ने कहा है कि वो आगे भी अन्य रूप से अलग रूप से फंड मुहैया कराती रहेगी। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64 करोड़ का बजट पास किया गया, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 64 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम आप उसको बोल सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से 1.4 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। बड़े बड़े अमाउंट दिए गए, देखिए बड़े बड़े अमाउंट जो है अलग अलग सेक्टर्स के लिए बड़े बड़े अमाउंट है। इस बार सरकार द्वारा रेलवे के लिए भी है, रेलवे बिल्कुल छूटा नहीं है, रेलवे के लिए 1.07 लाख करोड़ का बजट का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सड़कों के लिए 2021 और 2022 के लिए वित्त मंत्री ने 1.18 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत का जिक्र किया है। बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। वायु प्रदूषण के लिए 2.21 करोड़ का बजट मुहैया कराया गया है। इसके साथ ही सरकारी बैंकों के लिए भी यहां पर कुछ है, पिटारे से सरकारी बैंकों के लिए क्या निकला, 20,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। तो ये 10 मुख्य बिंदु थे इस पूरे बजट के, बजट को ब्रीफ कर रहे हैं हम आपके साथ लगातार हैं। अभी हमने 6 पिलर्स की बात की, बजट में और क्या कुछ था लगातार ब्रीफ करते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।